अब देखिए, अब तो ये तो डबल इंजन की सरकार है। अगर एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो सरकार को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हम लोग तो कहते ही हैं ना, जो आज देश में जहर बोया जा रहा है, जो माहौल जो बना है देश का, जहां मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ों की बातें हो रही है, जो माहौल बना है, तो ये कहीं ना कहीं से ये तो स्पष्ट हो ही गया। एसपी साहब हैं, जो बयान दिया वो तो सब जाहिर है। हमने तो नहीं बोला था उनको बयान देने, वो हमारा कार्य क्षेत्र भी नहीं है। ये तो बेहतर ढंग से अगर एसएसपी अगर तुलना करते हैं तो ये गंभीर मसला है। एसएसपी कह रहे हैं कि जो संगठन है आतंकवादियों की, उस तरह का काम जो है ये आरएसएस करता है, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो बात है कि आरएसएस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं से खतरनाक है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में खूब सियासी बवाल मचा है, खूब बयानबाजी हो रही है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने पीएफआई और एसडीपीआई जैसी संस्था का तुलना आरएसएस से क्या किया। बीजेपी वाले बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, खूब बयानबाजी हो रही है, आरएसएस के बारे में बता रहे हैं। तो वहीं जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ साथ आरजेडी पटना के एसएसपी के समर्थन में खड़ी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले से ही हम कह रहे थे कि आरएसएस कैसी संस्था है, अब तो पटना के एसएसपी भी बता रहे हैं। कल तेजस्वी ने पटना एसएसपी के बयानों का समर्थन किया और आज फिर से तेजस्वी ने कहा है कि बर्खास्त करने की मांग बीजेपी वाले किससे कर रहे हैं। पटना के एसएसपी ने गलत थोड़ी कहा है, उन्होंने तो वही कहा है जो वास्तविकता है। देखिए, पटना के एसएसपी पर जब बयानबाजी हो रही है तब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राज्य में आतंकी गतिविधि बढ़ी है, इंटेलिजेंस फेल्योर कह सकते हैं इसे, और मजबूत करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी गतिविधियों में लोग शामिल हो रहे हैं तो सरकार को इसके लिए पूरी तरीके से एक्शन दिखाना होगा। तेजस्वी मानवजीत सिंह ढिल्लो के समर्थन में खड़े हैं। आज शिवहर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनी। इधर बिहार में ज्यादा क्या इंटेलिजेंस जो सरकार की है, कहां उस कार्यक्रम में आप भी थे, उसके बाद ये सामने बताया। अब देखिए, अब तो ये तो डबल इंजन की सरकार है। अगर एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो सरकार को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और इस दिशा में तो जितने प्रिकॉशन हो सकते हैं या इंटेलिजेंस को और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये तो सरकार के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है इस बात को लेकर के कि जिस तरह से अगर कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से अलर्ट मोड पे लोगों को रहना पड़ेगा। अगर इस तरह की घटना हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि लोग डिपार्टमेंट के जितने भी शाखाएं हैं, चाहे पुलिस का हो, इंटेलिजेंस का हो, इन सब को जो है एक्टिव रहने की आवश्यकता है। और सरकार इसमें क्या तैयारी है उनकी, कैसे ये करेंगे, तो सरकार ही बताएगी। मानसून की स्थिति चली है, किस पे आपने बात की है? नहीं नहीं, हम लोग तो कहते ही हैं ना, जो आज देश में जहर बोया जा रहा है, जो माहौल जो बना है देश का, जहां मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ों की बातें हो रही है, जो माहौल बना है, तो ये कहीं ना कहीं से ये तो स्पष्ट हो ही गया। और जो एसएसपी साहब हैं, जो बयान दिया वो तो सब जाहिर है। हमने तो नहीं बोला था उनको बयान देने, वो हमारा कार्य क्षेत्र भी नहीं है। ये तो बेहतर ढंग से अगर एसएसपी अगर तुलना करते हैं तो ये गंभीर मसला है। और इस चीज़ को लेकर तो अगर एसएसपी कह रहे हैं कि जो संगठन है आतंकवादियों की, उस तरह का काम जो है ये आरएसएस करता है, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो बात है कि आरएसएस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं से खतरनाक है,
तो कहीं ना कहीं से तो ये बात तो स्पष्ट हुई गई। इस्तीफे को लेकर काफी बवाल मच रहा है बीजेपी। किस बात का इस्तीफा? किस बात का इस्तीफा? दे देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब बीजेपी का, बीजेपी का काम क्या है? अरे भाई अपने ही आपको बर्खास्त करो ना, प्रशासन तो उन्हीं की है भाई, डबल इंजन की सरकार है ना। अब प्रशासन किसके कंट्रोल में? यानी अपने ही गिरबान में वो लोग उंगली उठा रहे, तो कहीं ना कहीं से ये तो भाजपा की फेलियर है। मानसून की स्थिति खराब है सर, बहुत सुखार की स्थिति पूरे बिहार में है, हर जगह जो है सूखा जो है। और जहाँ तक बाढ़ की बात है, कई क्षेत्रों में कोसी वगैरह में जो सीमांचल के इलाके हैं जहाँ नदियाँ हैं, जैसे महानंदा नदी है वगैरह, वहाँ वाटर लेवल काफ़ी जो है हाई हुआ, क्योंकि रीज़न जो है नेपाल का पानी जो है आया है। इस पर भी हम लोग जो है सीमांचल के दौरे पे हम लोग निकलेंगे, तो वहाँ उन क्षेत्रों में भी हम लोग दौरा करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। पीएफआई और एसडीपीआई जैसी संस्था का तुलना पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने आरएसएस से क्या किया? बिहार में सियासी बवाल मचा है। तेजस्वी ने फिर कहा है कि एसएसपी साहब ने तो बिल्कुल सही कहा है, यकीन मानिए बिहार में सियासी बवाल मचना तय है। फिलहाल अपडेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।